वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय सेल्फ अभिषेक, बिना किसी देर करते वीडियो को स्टार्ट। सो आज हमारे सामने खड़ी है R15M वर्जन 4 लेटेस्ट लॉन्च है ये 2023 का। ओके, रेसिंग ब्लू कलर है। इसके अंदर आपको तीन कलर देखने के लिए मिल जाएंगे रेसिंग ब्लू। R15 वर्जन 4 की बात कर रहा हूँ मैं। M तो सिल्वर शेड में आता है, M का टॉप वेरियंट है वो, उसकी बात नहीं कर रहा। रेसिंग ब्लू, डार्क नाइट कलर और एक मेटेलिक रेड। ओके, ये तीन आपको कलर देखने के लिए मिल जाएंगे। ग्लॉसी ब्लू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वन बाय वन करके सारी चीज़ों की बात करेंगे, स्पेसिफिकेशंस की। सो बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। डिटेल रिव्यू वीडियो होने वाली है R15 की। एक वॉक अराउंड देता हूँ मैं सबसे पहले आपको, ऐसा कुछ बाइक देखने में है। ओके, सो आगे से बात करते हैं। सबसे पहले 17 इंच आपको अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, ये ऐसा कुछ आपको 17 इंच आपको अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड बाइबर्स के कैलिबर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड 3.5 mm के आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, TCS कंट्रोल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल चैनल ABS भी आपको देखने के लिए इसके अंदर मिल जाएगा। वन बाय वन करके सारी डिटेल रिव्यू होने वाला है, सबकी बात करेंगे एक बाय एक करके। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, 17 इंच अलॉय व्हील 3.5 mm की आपको डिस्क देखने के लिए मिल जाती है। बाइबर्स के कैलिबर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। USD 4 सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाता है, अप्स एंड डाउन 4 सिस्टम। और जो कलर थीम है ना वो काफ़ी अच्छी है यार इसकी, मतलब ग्लॉसी ब्लू है, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है बाइक। और यहाँ से आप देख सकते हैं गोल्डन कलर के शॉकर्स हो रखे हैं पूरे। और बात करते हैं आगे से, तो आगे से आपको ऐसी DRL देखने के लिए मिल जाएगी, डे टाइम ऑन रहती है। ओके, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको बीच में देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी विजिबिलिटी ठीक है, काफ़ी अच्छी तो नहीं बोलूँगा लेकिन ठीक है। ओके, ग्लॉसी ब्लू आपको कलर देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे कुछ इसके मिरर्स हैं जो हाई स्पीड पे भी काफ़ी स्टेबल रहते हैं, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है मिरर्स में। और मिरर्स की विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है काफ़ी। ओके, बात करते हैं मीटर की, तो आपको ऐसी कुछ इसकी कीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। जो पहले आती थी वही कीज़ है, सेम कीज़ में कोई चेंज नहीं है। मीटर में चेंज भी कोई इतना खास करा नहीं है, ये देख सकते हैं आप। ओके, अब पहले आपको क्या है, हज़ार लाइट बाहर से लगवाने की ज़रूरत पड़ती थी। ओके, हज़ार लाइट, बट अभी यहीं पे आपको इन बिल्ट ही कर दिया है फीचर, यहीं से आप असिस्ट कर सकते हैं। स्लीपर क्लच आपको देखने के लिए मिल जाता है, एक उंगली से भी एक आराम से आप क्लच को आराम से चला सकते हैं। ओके, और इसमें देखो आपको मैसेज आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कॉल आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इंजन टेम्परेचर का साइन है, इंजन चेक लाइट है और न्यूट्रल लाइट है, हज़ार्ड लाइट है एंड यामा की आपको यहाँ पे लाइट देखने के लिए मिल जाएगी ऑन। ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है इसके अंदर। ओके, और यहाँ पे आपको ये 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 जो डॉट दिख रहे हैं आपको, ये तब जलते हैं जब आपकी गाड़ी 7000 RPM से ऊपर चल जाती है। ओके, उसके बाद में ये 5 के 5 जलते हैं। और गाड़ी के मीटर जो है ना यार, काफ़ी औसम है। हाँ, हालांकि M में जो है उसकी तो बात ही अलग है, उसमें तो पूरा TFT डिस्प्ले कर दिया है, उसका तो काफ़ी अच्छा कर दिया है। R15 वर्जन 4 का भी, लेकिन इतना कोई मतलब वैसा नहीं है, अच्छा है काफ़ी। ओके, यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा, स्पीड देखने के लिए मिल जाएगी, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं असिस्ट। ओके, यहाँ से आप पूरा असिस्ट कर सकते हैं। इसमें 2 मोड्स हैं, स्ट्रीट और ट्रैक। और यहाँ पे गियर इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और गियर इंडिकेटर से मेरे को याद आया, इसके अंदर जो है वो क्यूक शिफ्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 1 डाउन, बाकी सारे अप। इसके अंदर गियर है, 155 cc का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर 4-valve 4-stroke इंजन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसकी जो सबसे तगड़ी बात है ना, 155 cc का इंजन होने के बावजूद भी ये इंडियन मार्केट के अंदर सेगमेंट का किंग है। ये 200 और 250 तक की बाइक्स को भी टक्कर दे देता है। ओके, क्योंकि इसके अंदर है VVA, वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही 7000 RPM से ऊपर गाड़ी जाती है, इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ, जैसे ही 7000 RPM से ऊपर गाड़ी जाएगी ना, उसके बाद में जो गाड़ी का फुल इंजन है, चारों वॉल्व काम करने लग जाते हैं। उससे पहले 2 valve काम करते हैं, इससे ही इसका जो एवरेज है वो काफ़ी अच्छा आता है। एवरेज की बात करूँ तो भाई, एवरेज तो इसका भाई ऐसा है कि 40-45 आराम से दे देता है, 50-60 तक भी लोग निकाल लेते हैं इससे, अगर आप नॉर्मल अच्छी सिटी राइड गेयर मेंटेन करते हो, RPM मेंटेन करते हो तो आराम से। ओके, पीछे की बात करते हैं तो VVA की, जैसा कि आपको बैचिंग देखने के लिए मिल जाती है, हज़ार लाइट जो है वो LED नहीं है, बस यही एक चीज़ है। इसके अंदर जो बल्ब है वो अगर हटा के LED कर देते तो काफ़ी अच्छा रहता, और पीछे की बैक लाइट भी काफ़ी अच्छी है देखने में। और मेरा पर्सनल जो फेवरेट कलर है ना वो ब्लैक है यार, ब्लैक भी काफ़ी तगड़ी लगता है इसके अंदर। और DRL जो है डे टाइम ऑन रहती है, काफ़ी तगड़ी है। 11 लीटर्स का आपका फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है। फ्यूल टैंक का लिड भी एक बार मैं ओपन करके बता देता हूँ आपको। सो ऐसा कुछ इसका फ्यूल टैंक का लिड है। ओके, यहाँ से ये ईज़िली आपको बंद हो जाएगा, ये देखिए। सो ऐसा कुछ इसका फ्यूल टैंक है। और बात करते हैं सीट की, तो सीट की जो आगे वाली कुशनिंग है वो ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन पीछे की तो यार थोड़ी हार्ड है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप आफ्टर मार्केट इसमें थोड़ा सा कुशनिंग भरवा के और लॉन्ग टूर्स वगैरह
पे आप आराम से जा सकते हैं। और जिनको काफ़ी लीन होकर चलाना पसंद है ना, वो आराम से भाई इसको लो। और टॉप स्पीड भी इसकी काफ़ी अच्छी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 155 सीसी की होने के बावजूद भी अपने किसी भी मतलब सेगमेंट के अंदर ना डिस्ट्रॉय कर देगी भाई, सही बता रहा हूँ। 200 से 250 तक की कोई सी भी बाइक हो, 250 सीसी की तक की बाइक हो, उनको भी ये डिस्ट्रॉय करने में आराम से है। क्योंकि भाई इसका जो VVA टेक्नोलॉजी है ना, वो काफ़ी तगड़ी है, बहुत ही मतलब क्या ही बोलूँ भाई। 7000 RPM के ऊपर जाते ही गाड़ी रॉकेट हो जाती है एकदम। और क्यूक शिफ्टर है, जैसा कि आपको मैंने बताया, वन डाउन, बाकी सारे आप इसमें गियर सिस्टम है। क्यूक शिफ्टर का मतलब ये होता है बिना आप क्लच दबाए आराम से इसमें गियर्स जो है वो अप शिफ्ट कर सकते हो, डाउन शिफ्ट नहीं कर सकते। कई यूट्यूबर्स बोलते हैं डाउन शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डाउन शिफ्ट नहीं कर सकते। डाउन शिफ्ट के लिए आपको ऑटो ब्लीपर चाहिए होता है, मैं एक बात बता दूं आपको, ओके, ऑटो ब्लीपर चाहिए होता है। कई लोग पागल बनाते हैं कि डाउन शिफ्ट भी कर सकते हैं, डाउन शिफ्ट नहीं, सिर्फ आप अप शिफ्ट कर सकते हो। डाउन शिफ्ट के लिए आप क्लच ही यूज़ करो, वैसे कई लोग करते हैं लेकिन आप मत करो, क्योंकि इसमें फिर प्रॉब्लम आने लग जाएगी। आप क्लच दबा के डाउन शिफ्ट करो, अप शिफ्ट करना है तो आपको आप बिना क्लच दबाए कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्यूक शिफ्टर है। TCS का इसमें मेरे को कोई इतना रोल लगा नहीं, TCS क्यों दिया इसके अंदर मेरे थोड़े समझ से बाहर हुआ है, क्योंकि 155 सीसी की गाड़ी है, एज अ बिगनर भी आप लेते हो तो इसमें इतनी कोई पावर नहीं है कि आप जाके सीधा मतलब कहीं जाके मतलब टकरा जाओगे या ऐसा कुछ, तो आपको TCS की ज़रूरत है। लेकिन ठीक है, कंपनी ने फीचर डाला है तो कुछ सोच समझ के डाला होगा। तो TCS कंट्रोल का काम भी मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता। तो TCS कंट्रोल का ये काम रहता है भाई कि जब आप गाड़ी अचानक से मतलब रेस देते हो तो कई बार गाड़ी स्लिप हो जाती है ना, अचानक से टायर घूमता है तो स्किट हो जाती है गाड़ी, तो वो नहीं होती, वो ECU कट कर देता है पावर, और इसका जो आगे का टायर होता है उससे इसकी स्पीड मैच करके रखता है। TCS का शॉर्ट सिंपल स्वीट मीनिंग ये होता है। डुअल चैनल ABS आपको देखने के लिए मिल जाएगा पीछे, ओके। आगे की तरफ तो आपको देखो बाइबर्स के कैलिबर्स यूज़ कर रखे हैं, लेकिन पीछे की तरफ निसिन के कैलिबर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 17-inch अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाएगा पीछे भी आपको। ट्यूबलेस टायर है गाड़ी के अंदर, गाड़ी और 155 सीसी की गाड़ी है, लिक्विड कूल्ड है, वेरिएबल VVA का इसमें टेक्नोलॉजी है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको एक बार बाइक ऑन करके भी बता देता हूँ, ओके, आवाज़ कैसी है बाइक की। सो अभी न्यूट्रल में खड़ी है, और ये स्टॉप है, ये रन है, और ये स्टार्ट है। सो ऐसी कुछ इसकी साउंड है। सो ऐसा इसका कुछ साउंड था। आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही, डिटेल रिव्यू हो गया है कंप्लीट, मैंने सब कुछ बता दिया, माइलेज, फ्यूल टैंक से लेके हर चीज़। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय। और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो भी मैं आपको बता दूँ, इसकी ऑन रोड प्राइस 227,000 है अभी। सो यही आज की वीडियो थी, और कंप्लीट मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी, साइड स्टैंड, कट ऑफ सेंसर से लेके हर एक चीज़। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय।